इस वक्त मैं डोडासन में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं एडीजी यहाँ पे पहुँचे, उनके साथ श्रीधर पाटिल जो हैं डीआईजी रेंज के वो भी यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे लगभग एक घंटा मीटिंग की गई है। स्ट्रेटजी बनाई गई है किस तरह से जो यहाँ पे आतंकवादी छुपे हुए हैं उनको किस तरह से ढूंढ निकालना है, उनका सफाया करना है। और जिस तरह से सूत्रों के हवाले से ये भी रिपोर्ट आई है कि वो आतंकवादी नेचुरल केव हाइड आउट में जो है वो छुपे हुए हैं, उनका जो निशानदेही है वो कर ली गई है लगभग और उनका सफाया अब जल्द हो सकता है। ऐसे में 3 से 4 जो आतंकवादी हैं वो इन्हीं जंगलों में छुपे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये जो पुलिस का अमला है किस तरह से सीनियर ऑफिशियल्स खुद यहाँ पे मौके पे पहुँच के इसको जो है जो स्ट्रेटजी है उसमें स्ट्रेटजी बनाने में लगे हुए हैं और साथ में इस ऑपरेशन को किस तरह से आगे ले जाना है, क्योंकि अभी कुछ समय के बाद अंधेरा हो सकता है और ऐसे में किस तरह से रात के वक्त इस ऑपरेशन को आगे ले जाना है, क्योंकि रात के वक्त अगर ये ऑपरेशन लंबा खींचता है तो रात के वक्त इसको रोका जा सकता है, कॉर्डन किया जा सकता है। उसके बाद जो है सुबह पहली रोशनी के साथ जो किरण आएगी सूरज की, तो उसके साथ ही ये इंकाउंटर वापस शुरू हो सकता है। लेकिन कोशिश ये है सिक्योरिटी फोर्सेज की जो हमें निकल के आया है हमारे सूत्रों से कि आज शाम तक ही उन आतंकवादियों का सफाया करना है, उनकी निशानदेही जैसे मैंने कल पहले कहा हो चुकी है। अब कुछ ही देर की बात है जब सिक्योरिटी फोर्सेज वहाँ पर पहुँच जाएंगी, क्योंकि काफ़ी इतिहास से ये ऑपरेशन आगे ले जाना है, क्योंकि कोई डैमेज ना हो, कोई नुकसान ना हो सेना का, क्योंकि एक ऑफिसर हमने खोया है और वापस जो है कोई नुकसान ना हो इस बात की इस बात को ध्यान में रखते हुए इस ऑपरेशन को आगे ले जाया जाएगा। कैमरामैन अशोक के साथ राजन वैर, न्यूज़ 18 डोडा।